प्रवासियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रवासी मजदूरों से वसूल नहीं किया जाएगा रेल बस का कोई किराया, राज्य सरकारें करेंगी बंदोबस्त, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रवासी मजदूरों को मुहैया कराया जाए खाना, उनके लिए बनाई जाए हेल्प डेस्क। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दी जानकारी, अब तक 1 करोड़ प्रवासी मजदूर किए जा चुके शिफ्ट, सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई 3,700 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन। कोरोना संकट और लॉकडाउन से बने हालात पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, केंद्र सरकार से मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने की मांग, कहा मजदूरों की हालत चिंताजनक, सरकार करे सीधी मदद। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में छिड़ा सियासी घमासान, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, बीजेपी जिस दिन चाहेगी बढ़ा लेगी अपनी संख्या, फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र में बीजेपी को सरकार बनाने की कोई जल्दी नहीं। कोरोना के मामले 1,58,000 के पार, एक दिन में 6,500 तक नए केस, 194 मौतों से आंकड़ा 4,500 पहुंचा, 67,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली में अब तक 15,257 कोरोना केस, 7,264 लोग कोरोना के बाद हुए स्वस्थ, कोरोना से अब तक 303 लोगों की जा चुकी जान। जमातियों पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, 9 अलग अलग जगहों पर जमातियों को रखा जाए, क्वारंटीन सेंटर से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे जमाती, 955 जमातियों को किया जाएगा शिफ्ट। मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से प्रोड्यूसर चिंतित, मुंबई से बाहर शूटिंग पर विचार, हैदराबाद जयपुर में हो सकती है टीवी सीरीज की शूटिंग। पुलवामा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, बम से लैस कार को सुरक्षा बल ने धमाका करके उड़ाया, आतंकियों ने 2019 की तर्ज पर बड़े हमले की थी साजिश, खुफिया इनपुट के बाद नाकाम की गई साजिश। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक कार में था 45 किलो विस्फोटक, धमाके के वक्त कुछ घरों के शीशे टूटे, कोई घायल नहीं। देखा किसमें आईडी एसोसिएटेड लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी सीआरपी पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफ्यूज किया।